चलिए अब दूसरे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब ये अभी तक हम जो मैं तुमको बता रहा था वो बता रहा था कि व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी का बिल्कुल बेसिक आइडिया था। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला टूल है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा टूल है क्लोनिंग वेक्टर और तीसरा टूल है कॉम्पिटेंट होस्ट। और देखो सबसे खूबसूरत बात क्या है इस चैप्टर की कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसके बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे एक साथ, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। चार प्रॉपर्टीज होता है क्लोनिंग वेक्टर के, ओआरआई होता है, सेलेक्टेबल मार्कर होता है, क्लोनिंग साइट होता है और वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्लोनिंग वेक्टर के हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में हम होस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम होस्ट के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हम समरी पढ़ेंगे पूरे बायोटेक्नोलॉजी, पूरे बायोटेक्नोलॉजी की समरी क्या है। अब पूरे बायोटेक्नोलॉजी की समरी के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब बड़ा ही खूबसूरत अंदाज के अंदर में इस चैप्टर को हमें पढ़ना है, बिल्कुल आपको याद रखना बिल्कुल आसान है। अब किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे आंखें बंद करके आप याद कर सकते हैं चैप्टर को, रिवाइज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, समझ गए। तब चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की शुरुआत करेंगे। ये क्या है, दिस इज द टूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन देखो यहां ध्यान दो बोर्ड पे, सबसे पहला सवाल आएगा कि भाई व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो देखो रेस्ट्रिक्शन में और एंजाइम, ये ध्यान देखो इसमें दो वर्ड्स है, एक है रेस्ट्रिक्शन और एक एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है और एंजाइम का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हमें इन दोनों का मतलब जानना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजाइम। देखो जो रेस्ट्रिक्शन का मतलब है, रेस्ट्रिक्शन का मतलब है रोक देना, रेस्ट्रिक्शन का मतलब है रोक देना, रोकना, रोकना कह सकते हैं आप। और एंजाइम ऑब्वियस सी बात है एंजाइम, तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब है रोकना, रोकने वाला एंजाइम। अब सवाल है कि ये आखिर किसको रोक रहा है, कहां रोक रहा है, इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है किसको रोक रहा है, क्यों इसका नाम पड़ गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रोकने वाला एंजाइम। तो देखो इसके पीछे एक लंबी कहानी है। कहानी ये है कि देखो 1963 में, ये 1963 की बात है, 1963 के अंदर में वर्नर आर्बर ने, 1963 में वर्नर आर्बर ने ईकोलाई के अंदर में दो तरह के एंजाइम्स देखे। उसने क्या देखा, देखो बोर्ड पर ध्यान दो, उसने ये देखा कि जब एक वायरस बैक्टीरियोफेग ईकोलाई को, वायरस का नाम क्या है बैक्टीरियोफेग, इसके नाम से ये कंफ्यूज मत हो जाना कि कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफेग, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेग मतलब खाना। मतलब 1963 में वर्नर आर्बर ने ये देखा कि एक ईकोलाई जिसको एक वायरस इंफेक्शन कॉज करता है और उस वायरस का नाम था बैक्टीरियोफेग, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेग मतलब खाना, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करता हो, उसको नुकसान पहुंचाता हो, तो 1963 में आर्बर ने ये देखा कि जैसे ही ईकोलाई को ये वायरस इन्फेक्शन कॉज करता है वैसे ही ईकोलाई अपने आप को बचा लेता है। अब सवाल है कि ईकोलाई अपने आप को कैसे बचा लिया ईकोलाई ने, ये सबसे अहम सवाल था। तो ईकोलाई ने अपने आप को कैसे बचाया तो ये तुमको जानना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ईकोलाई को ने जैसे ही इस वायरस का इन्फेक्शन हुआ ईकोलाई पे, वैसे ही ईकोलाई ने दो तरह के एंजाइम्स रिलीज किए। वो कौन से दो तरह के एंजाइम, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो मान लीजिए बैक्टीरिया है ईकोलाई और इस ईकोलाई को एक वायरस इंफेक्शन कॉज करता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। तो जैसे ही ये वायरस ईकोलाई को इंफेक्शन कॉज करता है वैसे ही वो वायरस क्या डालेगा, वो वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल इस ईकोलाई के अंदर में डाल देगा, ये वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल इस ईकोलाई के अंदर में डाल देगा। और देखो यह ध्यान देने की जरूरत है, बोर्ड पर देखो, ये जैसे ही ये वायरस इस बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करता है वैसे ही ये ईकोलाई दो तरह के एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। और दो तरह के एंजाइम्स कौन कौन से प्रोड्यूस करता है, एक एंजाइम का नाम था E1 और दूसरा एंजाइम था E2। हमने मान लिया दो एंजाइम्स,
दो एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, एक एंजाइम था E1, दूसरा एंजाइम था E2। जो E1 एंजाइम था वो E1 एंजाइम वायरस के डीएनए को काट रहा था। जो E1 एंजाइम था दिस वाज कटिंग द डीएनए ऑफ वायरस। व्हाइल अब देखो, अब जब E1 एंजाइम वायरस के डीएनए को काट सकता है तो ऑब्वियस सी बात है क्या ये E1 एंजाइम बैक्टीरिया के अपने डीएनए को नहीं काट सकता? अरे काट सकता, नहीं काट सकता। तो देखो बैक्टीरिया का अपना डीएनए भी तो होता है, और बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। तो जब E1 एंजाइम वायरस के डीएनए को काट सकता है तो क्या ये E1 एंजाइम बैक्टीरियल डीएनए को नहीं काट सकता? अरे काट सकता, नहीं काट सकता, बोलो ना। काट सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये E1 एंजाइम इसको काट सकता है तो ये E1 एंजाइम बैक्टीरियल डीएनए को भी काट सकता है। इसीलिए देखो बैक्टीरिया ने कितना खूबसूरत सा काम किया, उसने अपने डिफेंस में दूसरा एंजाइम प्रोड्यूस किया जिसका नाम था E2, एंड दैट E2 एंजाइम वाज एडिंग द मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए ऑफ इटसेल्फ। दैट E2 एंजाइम वाज एडिंग द मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया E. coli। तो जो E2 एंजाइम था ये क्या कर रहा था? दिस वाज एडिंग द मिथाइल ग्रुप टू डीएनए ऑफ E. coli के डीएनए में। ये E. coli के डीएनए को, जो E. coli का जो डीएनए था उसमें E2 एंजाइम क्या कर रहा था? मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था। अब ऑब्वियस सी बात है जब E. coli के अपने डीएनए पे जब मिथाइल ग्रुप से पूरा का पूरा डीएनए जब गिर जाएगा तो E1 एंजाइम क्या करेगा? वो उसको काट नहीं पाएगा। इसीलिए बैक्टीरिया ने अपने डिफेंस में जब वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो वायरस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए अपने डिफेंस में दो तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस किए। उन दो तरह के जो एंजाइम्स थे उनमें से द फर्स्ट वन वाज कटिंग द डीएनए ऑफ द वायरस, एंड द सेकंड वाज एडिंग द मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। अब सवाल समझने की बात यह है कि इसका मतलब यह हो गया कि पहला वाला एंजाइम क्या इस वायरस को रोक रहा था कि नहीं रोक रहा था? क्या ये पहला वाला एंजाइम क्या वायरस के इन्फेक्शन को रोक रहा है या नहीं रोक रहा? और दूसरा वाला एंजाइम क्या कर रहा है? वो अपने आप को बचा रहा है E. coli का? अरे E. coli का अपने डीएनए को तो बचा रहा है ना दूसरा वाला। मत इसीलिए पहला वाला वायरस चूंकि पहला वाला जो एंजाइम था दैट वाज रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ वायरस इनटू द बैक्टीरिया, हेंस द फर्स्ट एंजाइम वाज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। First enzyme was called restriction enzyme because it was restricting the growth of virus into bacteria. पहले वाले enzyme को कहा गया restriction enzyme क्योंकि ये enzyme रोक रहा था infection of virus को bacteria के अंदर में। जो दूसरा वाला enzyme था ये methyl group को add कर रहा था, इसीलिए दूसरे वाले enzyme को कहा गया modification enzyme। दूसरे वाला एंजाइम क्या कहा गया बोलो? मॉडिफिकेशन एंजाइम, और इसको कहा गया मिथाइल ट्रांसफरेज। क्या बोला गया बोलो इसको? मिथाइल ट्रांसफरेज। तो पहले वाले एंजाइम का नाम क्या पड़ा? अरे पहले वाले एंजाइम का नाम क्या पड़ा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। दूसरे वाले एंजाइम का क्या नाम पड़ा बोलो? मॉडिफिकेशन एंजाइम, और क्या बोलेंगे इसको हम? मिथाइल ट्रांसफरेज। क्या बोलेंगे बोलो? मिथाइल ट्रांसफरेज। तो देखो मिथाइल जो ट्रांसफरेज था दैट वाज द एंजाइम व्हिच वाज एडिंग द मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए ऑफ E. coli सो दैट इट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम इट्स ओन एंजाइम दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इतनी बात तुम समझ गए? अरे ये बात समझ में आएंगे। तो इस तरह से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पड़ा। अब सवाल है कि एंजाइम किस तरह का है, कि ये एंजाइम किस कैटेगरी ऑफ एंजाइम से बिलोंग करता है? तो देखो ये एंजाइम चूंकि डीएनए को काटता है, डीएनए के ऊपर ऐड करता है, तो ये एंजाइम जब डीएनए के ऊपर ऐड करता है तो डीएनए को डाइजेस्ट कराने वाले एंजाइम को तुम कौन सा एंजाइम बोलते हो? डीएनएस कहते हो। आरएनए को डाइजेस्ट कराने वाले एंजाइम को तुम आरएनएस कहते हो। मतलब डीएनएस और आरएनएस दीज आर ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड। डीएनए आरएनए तो न्यूक्लिक एसिड है ना, बोलो ना। तो डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कराने वाले एंजाइम को तुम क्या बोल रहे हो? न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस कितने तरह के होंगे बोलो? दो तरह के। एक कौन सा? डीएनए। दूसरा कौन सा बोलो? आरएनए। अब यहाँ पे जो हमारा E1 जो एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये डीएनए को डाइजेस्ट कर रहा है या आरएनए को?
डीएनए को, अरे डीएनए को डाइस कर रहे हैं आरएनए को, डीएनए को, तो हम इसका नाम क्या रखेंगे बोलो, रिस्ट्रिक्शन। एग्जैक्टली, द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम पड़ा, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस क्यों, क्योंकि ये डीएनए को अंदर काटता था, इधर अंदर के साइड में, और ये न्यूक्लियस नाम के एंजाइम की कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या नाम पड़ा बोलो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और जो सबसे पहले एंजाइम जो डिस्कवर किया गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसका नाम था हिन डी सेकंड। बोर्ड पर ध्यान देने की जरूरत है, बोर्ड पर ध्यान देने की जरूरत है। जो सबसे पहला एंजाइम जो डिस्कवर किया गया उसका नाम था हिन डी सेकंड। द हिन डी सेकंड वाज द फर्स्ट एंजाइम, हिन डी सेकंड वाज द फर्स्ट एंजाइम दैट वाज डिस्कवर्ड, जिसको डिस्कवर किया गया। मैंने कहा देखो डिस्कवर्ड मैंने कहा, और इसका नाम क्या है, हिन डी सेकंड। तो ये पहला एंजाइम था जिसको डिस्कवर किया गया, लेकिन इसका नाम हिन डी फर्स्ट क्यों नहीं रखा गया, ये पहला एंजाइम था जिसको डिस्कवर किया गया और इसका नाम रखा गया हिन डी सेकंड। देखो लिखते हिंद है, लिखते हिंद है, लेकिन इसको पढ़ते हैं हिन डी सेकंड पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, अरे देखो इधर देखो, यहां बोर्ड पर देखो, इसको हम लिखते क्या है बोलो, हिंद लिखते हैं, पढ़ते क्या है, सीधे बैठो, इसको पढ़ते क्या है, हिन डी सेकंड पढ़ते हैं। बात तुम समझ रही हो, अब देखो यहां ध्यान दो, ये पहला एंजाइम था जिसको डिस्कवर किया गया, एंड दैट वॉज डिस्कवर्ड बाई विलकॉक्स स्मिथ एंड केले। विलकॉक्स स्मिथ एंड केले ने इसको डिस्कवर किया था इस एंजाइम को। इतनी बात समझ गए, दैट वॉज द हिस्ट्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हिस्ट्री है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स किसको कहते हैं, और क्या मतलब, क्या उनका मतलब, उनका नाम कैसे पड़ा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, एंजाइम बात है। बात समझ गए इतनी सारी चीज, सारे लोग समझ गए इस बात को। अब हम आगे की बात हम करेंगे कि आखिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नाम कैसे रखा जाता है। अभी देखो ना, मैंने लिख दिया हिंदी सेकंड, सवाल मन में आएगा ना, वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है, क्यों कैसे हम लिख देंगे, कैसे इसका नामकरण करेंगे, और नामकरण करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर। मतलब अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस एंजाइम, कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। इतनी बात समझ के सब लोग, चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम के बारे में। देखो जब हमने कहा कि एंजाइम, ये हमने अब डिस्कवर कर लिया, देखो मैंने क्या कहा, 1963 में वर्नर आर्बर ने आइसोलेट किया दो तरह के एंजाइम्स, उसमें से एक एंजाइम क्या कर रहा था, दैट वाज कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस, व्हाइल द अनदर एंजाइम वाज एडिंग मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए ऑफ इकोलाई सो दैट इट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अरे इतनी बात समझ गए, चलो अब हम जानने वाले हैं कि एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। देखो बोर्ड पर ध्यान देने की जरूरत है, जो रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स है उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो तुम जानो। हमने मान लिया कि एक एंजाइम जिसका नाम है इको आर्गन, इको आर्गन का नोमेनक्लेचर करते हैं। देखो इको आर्गन का अगर तुम नोमेनक्लेचर करते हो तो सबसे पहला जो लेटर है एंजाइम का, दैट रिप्रेजेंट द जीनस ऑफ बैक्टीरिया। अब देखो एंजाइम का नोमेनक्लेचर जानने से पहले पहले एक बात तुम और जानो, जितने सारे एंजाइम्स होते हैं ना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ऑल आर बैक्टीरियल इन ओरिजिन। सबसे कमाल की बात क्या है, ऑल द एंजाइम्स आर, सीधे बैठिए, ऑल द एंजाइम्स आर बैक्टीरियल इन ओरिजिन, बैक्टीरियल इन ओरिजिन होते हैं सारे के सारे एंजाइम्स, को बैक्टीरिया से मतलब आइसोलेट किया गया है, पहली बात तो ये है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम इन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स हैं उनको हम मतलब क्या कहते हैं उसको कहीं भी इस्तेमाल कर लें, इनका स्पेसिफिक यूज होता है। तो सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए कि ऑल द एंजाइम्स आर बैक्टीरियल इन ओरिजिन। अब सारे के सारे एंजाइम चूंकि बैक्टीरिया से निकाले गए हैं तो इसलिए इनके नाम में भी ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं जिस बैक्टीरिया से निकाला हो गया उस बैक्टीरिया का जीनोस और स्पीशीज तो जरूर आएगा। चलो अब देखो जो सबसे पहला लेटर होता है एंजाइम का, दैट रिप्रेजेंट द जीनस ऑफ बैक्टीरिया, सीधे बैठिए, That represent the genus of the bacteria, जो पहला एंजाइम का जो पहला वर्ड है, पहला लेटर है, जिसका नाम क्या है, E मतलब, अब देखो ये निकाला, E का मतलब हो गया Escherichia। चलो, the next two letters,
रिप्रेजेंट ए स्पेशीज ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो टू लेटर्स है दैट रिप्रेजेंट ए स्पेशीज ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया किस स्पेशीज से आपने निकाला, तो ये निकाला गया है कोलाई से, इसलिए इसका नाम होगा ये फर्स्ट का मतलब हो गया एशेरेशिया, सीओ का मतलब हो गया कोलाई। थर्ड जो लेटर नेक्स्ट जो अगला जो लेटर आएगा स्पेशीज के बाद, नेक्स्ट जो टू लेटर है उनके बाद जो थर्ड, पहला फर्स्ट लेटर तुम्हारा ये था, नेक्स्ट टू लेटर से ये हुआ, अगला जो लेटर आएगा दैट रिप्रेजेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किस स्ट्रेन से निकाला गया, स्ट्रेन मतलब वैरायटी ऑफ द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया किस वैरायटी ऑफ द बैक्टीरिया से इस एंजाइम को निकाला गया है। और यहाँ जो इको आर्बन जो निकाला गया है वो एक इकोलाई के एक वैरायटी से निकाला गया है जिसका नाम है RY13। इकोलाई के जिस वैरायटी से निकाला गया है उसका नाम क्या है बोलो, RY13। और उसके बाद क्या है फर्स्ट जो लास्ट में जो रोमन लेटर लिखा होता है, ये लास्ट वाला जो रोमन लेटर है दैट रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ये देखो बोर्ड पे जो लास्ट वाला जो लेटर है जो रोमन लेटर में, इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, याद आ जाएगा, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। अब मतलब लास्ट वाला जो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन का मतलब हो गया कि सबसे पहला इकोलाई से आइसोलेट किया गया ये सबसे पहला एंजाइम था, इकोलाई के RY13 जो स्ट्रेन था उससे आइसोलेट किया गया ये पहला एंजाइम था, इसलिए यहां पे क्या लगाया हमने फर्स्ट। अगर दूसरा एंजाइम होता तो हम क्या लगाते हैं सेकंड, तीसरा होता तो क्या लगाते हैं बोलो थर्ड। अरे बात समझ गए, अरे बात समझ में आई नहीं, ये समझ गए सब लोग कैसे एंजाइम का नॉमेनक्लेचर करते हैं। पहला एग्जांपल तो तुम्हारा ये, दूसरा एग्जांपल देखो, मैं मिटा दूं इसको, चलिए इसका दूसरा एग्जांपल देखिए बोर्ड पर ध्यान देते हैं। अभी मैंने क्या कहा तुमको कि जो सबसे पहला जो एंजाइम डिस्कवर किया गया था, सबसे पहला जो एंजाइम डिस्कवर किया गया था 1968 के अंदर में, उसका नाम था हिंदी सेकंड। क्या नाम था उसको बोलो, हिंदी सेकंड। तो हिंदी सेकंड जो है वाज द फर्स्ट एंजाइम दैट वाज डिस्कवर्ड, किसने डिस्कवर किया था, विलकॉक्स स्मिथ और केले ने। किसने डिस्कवर किया था बोलो, विलकॉक्स स्मिथ एंड केले ने इसको डिस्कवर किया था। अब देखिए आप ध्यान दिए बोलते, चलिए इधर देखिए, उसका नाम है हिंदी सेकंड, एच इज द जीनस, एच रिप्रेजेंट द जीनस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जीनस का नाम क्या है बोलो, हीमोफिलस, क्या बोलेंगे उसको हम, हीमोफिलस। आयन का मतलब क्या हो गया बोलो, इन्फ्लुएंजा। डी इज द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, स्ट्रेन का नाम क्या है उसका, आरडी। एंड सेकंड इज द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, सेकंड क्या बोलो। अब देखो बहुत सोचने वाली बात है कि सबसे पहला जो एंजाइम था जो डिस्कवर किया गया था उसका नाम था हिंदी सेकंड, तो इसका नाम तो हिंदी फर्स्ट होना चाहिए था क्योंकि सबसे पहला डिस्कवर तो यही हुआ था। अरे है या नहीं, बहुत जबरदस्त सवाल कि सबसे पहला एंजाइम देखिए डिस्कवर हुआ जिसका नाम था हिंदी सेकंड, क्यों नहीं फर्स्ट रख दिया, एग्जैक्टली क्योंकि ये एंजाइम डिस्कवर हुआ था और डिस्कवर होने के बाद इस अपने 5 सालों के बाद, आफ्टर द डिस्कवरी 5 साल के बाद इसको आइसोलेट किया गया, तो एंजाइम डिस्कवर हुआ पहले और इसका आइसोलेशन हुआ 5 साल के बाद, इसलिए इसका नाम क्या है हिंदी सेकंड। बात तुम समझ गए, अरे समझ बात आ रही है, देखो बड़ा अच्छा सवाल ये कि भाई डिस्कवर हुआ पहले और इसका नाम रख दिया हमने सेकंड, ये क्या बात हुई, इसका नाम तो फर्स्ट रखना चाहिए था क्योंकि डिस्कवर तो हो गया जरूर लेकिन आइसोलेट किया गया आफ्टर द 5 years ऑफ इट्स डिस्कवरी। बात समझ गए, अरे बात समझ गए, तो नॉमेनक्लेचर के लिए होगा सबको कि व्हाट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। चलो देखो अब हमने एंजाइम के बारे में जान लिया कि एंजाइम क्या होता है, एंजाइम किसको कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब हम जानेंगे नेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम का नेचर क्या है। अब जब तुम एंजाइम का नेचर तुम जान लोगे ना तो पूरा का पूरा एंजाइम तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, जब एंजाइम का नेचर जान लोगे अब एंजाइम तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड हमारा टूल है कौन है, क्लोनिंग वेक्टर, उसको पढ़ेंगे हम। उसके बाद थर्ड हमारा टूल है कौन सा, हमारा कॉम्पिटेंट होस्ट, उसको पढ़ेंगे। जैसे तुम कॉम्पिटेंट होस्ट पे पहुंचोगे तुम्हारे चैप्टर की कहानी खत्म हो जाएगी, ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब देखो जान लो इसको मैं मिटा दूं। अब हम बात करेंगे बोर्ड पर ध्यान दो, अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम का नेचर कैसे है,
नेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. देखो बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो. देखो रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस जो है, ये जो एंजाइम है, सबसे पहली बार इट इज बैक्टीरियल इन ओरिजिन. इट इज बैक्टीरियल इन ओरिजिन. दूसरी बात, दिस एंजाइम्स इट इज बैक्टीरियल इन ओरिजिन. पॉइंट नंबर सेकंड, दिस एंजाइम बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ द एंजाइम विच इज नोन एज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस न्यूक्लियस नाम के एंजाइम की कैटेगरी से बिलोंग करता है. न्यूक्लियस दो तरह का होते हैं, एक को कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस और दूसरे को कहते हैं एंडोन्यूक्लियस. ये हमारा कौन सा न्यूक्लियस है जो हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं? एंडोन्यूक्लियस. कौन सा इस्तेमाल कर रहा है बोलो? एंडोन्यूक्लियस. अब एक्सोन्यूक्लियस कैसे डीएनए को काटेगा? बोर्ड पर ध्यान देते रहो. ये मान लिया कोई डीएनए है जो एक्सोन्यूक्लियस बिल्कुल एंड एंड पे काटेगा, जबकि एंडोन्यूक्लियस कहां काटेगा? अंदर काटेगा. एंडोन्यूक्लियस बिल्कुल अंदर अंदर काटेगा और एक्सोन्यूक्लियस बाहर बाहर काटेगा. एंडोन्यूक्लियस ने अंदर में कटिंग की, इसलिए इसको ये हमारा जो एंजाइम होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहां काटेगा? बाहर की तरफ में काटेगा या अंदर की तरफ में काटेगा बोलो? अंदर की तरफ. इतनी बात समझ गए? चलो ये दो पॉइंट्स हो गए इसके नेचर के बारे में. तीसरा पॉइंट जानो, देखो ये जो एंजाइम है अपने काम के मामले में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है. इस एंजाइम का काम बहुत ज्यादा अलग ही है. क्या करता है ये एंजाइम? सबसे पहले बैक्टीरियल डीएनए को इंस्पेक्ट करता है. जहां भी इसको कटिंग करना होता है एंजाइम को, सबसे पहले उस डीएनए को इंस्पेक्शन करता है, उसका इंस्पेक्शन करता है. इंस्पेक्शन कर लेने के बाद ये ढूंढता है स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंसेस. ये हर तरह के बेस पेयर सीक्वेंसेस को कट नहीं कर सकता. ये हर तरह के बेस पेयर के सीक्वेंसेस को कट नहीं कर सकता. गेट को बंद कर दीजिए. ये हर तरह के बेस पेयर के सीक्वेंसेस को कट नहीं कर सकता. ये जो है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक बेस पेयर के सीक्वेंस को कट कर सकता है. बोर्ड पर ध्यान देते रहना, समझा? वरना जो है ये दिमाग में कुछ जाने वाला है नहीं. बढ़िया से समझ लो इसको, बैठ लो. बाकी अगर तुम अच्छे से समझ गए तो हर तरह का सवाल तुम्हारे लिए आसान हो. सच बताओ, मतलब बायोटेक्नोलॉजी में जो बच्चा कंफ्यूज होता है ना, इन सारी चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है. पहली बात कि वो ढंग से समझता नहीं है, वो खाली ऐसे ऐसे पढ़ते लगातार पढ़ते चले जाता है. उसको टेक्निकली चीजों को, चैप्टर को तुम पढ़ो, हर चैप्टर को. जैसे कि मैंने याद करो तुम्हें को रिप्रोडक्शन प्लानिंग प्लांट्स कितना टेक्निकली पढ़ाया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कितना टेक्निकली पढ़ाया, जेनेटिक्स कितना टेक्निकली पढ़ाया. ऑब्वियसली बात, उस तरह से टेक्निकली तुम पढ़ोगे ना, चीजों को याद रखना बहुत आसान हो जाता है. अरे सिलेबस में सोचो ना, 99 कितने चैप्टर है टोटल? 98 है ना. फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला कितने हैं? 98 है ना. सोचो 11 12 पूरा मिला के 98 चैप्टर्स हैं, उसको पूरा याद रख पाना इतना मजाक नहीं है. नीट के एग्जाम में सबको लेके पहुंचना है. इसलिए ऑब्वियसली बात है, चैप्टर्स को बहुत टेक्निकली याद करिए, उसको पढ़िए, ताकि उसको बिल्कुल आंख बंद करके इंसान मेमोराइज कर सके कि इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है. एक सीक्वेंस में चैप्टर होना चाहिए, तो उस चैप्टर का सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ. अब आगे बढ़िए. तीसरा जो इसका नेचर है, मैंने कहा कि ये एंजाइम स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंसेस को ही कट करता है. अगर आप ये सोचते हो कहीं भी जाएगा कट कर देगा, तो ऐसा थोड़ी कि जाए कहीं भी गिर गया कि चलो जी यहाँ कटिंग कर देते हैं, ऐसे नहीं करता. ये एंजाइम क्या करता है? ये स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंस को कट करता है. समझ रही हो तुम? ओके तो ये एंजाइम कहाँ कट करेगा? स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंसेस को ही कट करेगा. और उन स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंसेस में कुछ खासियत होती है, कुछ बात होती है. क्या बात है वो तुम देखो यहाँ. अगर तुम इन स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंसेस को तुम पढ़ोगे तो तुम 5 to 3 अगर तुम पढ़ते हो इस वाले स्ट्रैंड में तो तुमको वही मिलेगा, और इस वाले स्ट्रैंड में भी तुम 5 to 3 पढ़ोगे तो भी तुमको वही मिलेगा. एग्जाम्पल के तौर पे एक डीएनए का स्ट्रैंड है, इस डीएनए के स्ट्रैंड में अगर आप 5 to 3 इस स्ट्रैंड को पढ़िए, क्या मिला लिखा हुआ है बताइए? अरे क्या लिखा हुआ है? GATTC लिखा हुआ है.
इस वाले स्टैंड को पढ़िए, पढ़िए 5-3। बिल्कुल क्या सेम सेम लिखा हुआ है। तो ये एंजाइम इस तरह के बेस पेयर्स को पहले ढूंढता है, और ढूंढने के बाद इस तरह के बेस पेयर्स को जब ढूंढ लेगा, गेट को खोल दीजिए, इनको बहुत एंजाइम क्या करेगा, ये बेस पेयर के सीक्वेंसेस को ढूंढता है इस तरह के, और इस तरह के बेस पेयर्स को सीक्वेंसेस को ढूंढने के बाद ऊपर वाले स्ट्रैंड में जिन दो बेस पेयर्स के बीच में उसने कटिंग की है, सेम उन्हीं दो बेस पेयर्स के बीच में वो कटिंग करेगा नीचे वाले स्ट्रैंड में भी। बात समझने की बात है, बंद कर दे यार, ये बहुत आवाज आ रही है, पता नहीं बात सुनो। ऊपर वाले स्ट्रैंड में जिन दो बेस पेयर्स के बीच में कटिंग हुई है, उन्हीं सेम दो बेस पेयर्स के बीच में जो है कटिंग जो होगी वो नीचे वाले स्ट्रैंड में भी होगी। अगर इन यहां पे दो बेस पेयर्स के बीच में कटिंग हुई है जी और ए के बीच में, तो यहां भी कटिंग जी और ए के बीच में ही होना है। और अगर यहां ऊपर वाले स्टैंड में ए और ए के बीच में कटिंग हुई है, तो नीचे वाले स्टैंड में भी ए और ए के बीच में ही कटिंग होगी। बात समझ में आ रही है, इधर ध्यान देते रहिए। हाँ तो देखो यार, तो जिन दो बेस पेयर्स के बीच में कटिंग ऊपर वाले स्टैंड में होगी, उन्हीं दो बेस पेयर्स के बीच में कटिंग बोलो नीचे वाले स्टैंड में भी होगी। इतनी बात तुम समझ रहे हैं? अगर ऊपर में ए और ए के बीच में कटिंग हुआ तो नीचे में भी ए और ए के बीच में कटिंग होगा, ऊपर में ए और टी के बीच में कटिंग हुआ तो नीचे में भी ए और टी के बीच में कटिंग होना है, और एंजाइम क्या करेगा उसी तरह से कटिंग करेगा। तो इस तरह का सीक्वेंस, दैट द सीक्वेंस दैट इज सेम in both the strands when we read in 5-3 direction, such types of sequences are known as palindromic sequences. उस तरह के sequence को हम क्या बोलेंगे बोलो? अरे कौन से sequence बोलेंगे? Palindromic sequences कहेंगे। Palindromic sequences are, याद याद देते रहिए, palindromic sequences are such sequences that are same, जो एक जैसे एक 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 समान होते हैं। कब एक समान होते हैं? जब उनको 5-3 पढ़ा जाता है, इस स्टैंड में भी पढ़ा जाता है तो वहीं नजर आते हैं, इस स्टैंड में भी पढ़ा जाता है तो वहीं नजर आते हैं, लेकिन शर्त है कि आपको पढ़ना है हमेशा किस डायरेक्शन में, बोलो 5-3 पढ़ना है। बात तुम समझ गए? अब जब एंजाइम इन दोनों के बीच में कटिंग करेगा, तो हम बात करते हैं इको आर1 के बारे में। इको आर1 जी और ए के बीच में कटिंग करता है, तो यहां भी किसकी किसके बीच कटिंग करेगा बोलो? जी और ए के बीच में कटिंग करेगा, और कटिंग करने के बाद डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को अलग कर देगा, और जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे, तो ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, ये वाला स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, मतलब दो तरह के स्ट्रैंड्स नजर आएंगे आपको। कैसे कैसे वो देखिए, बोर्ड पर ध्यान देते रहिए, ध्यान देते रहिए, इधर देखिए। अब देखिए ये हमारा डीएनए है, स्ट्रैंड है जहां पे एंजाइम की कटिंग हो रही है, और ये सारे के सारे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये भी ब्रेक करेंगे, और फिर से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटेगा। मतलब यहां जब भी जो है हमारा जो एंजाइम कट करेगा, तो ये बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, और बॉन्ड्स का क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस होगा। सुनिए, ब्रेक में भी क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस होगा। ये एग्जाम का आया हुआ सवाल है, एम्स के पेपर में आ चुका है कि हमारा जो रिस्ट्रिक्शन एंडोनिक जो एंजाइम होता है वो क्या कराता है, तो ये हाइड्रोलाइसिस कराता है। क्या करेगा? हाइड्रोलाइसिस करेगा। और जब हाइड्रोलाइसिस होगा, तो हाइड्रोलाइसिस होने के बाद दो तरह के स्ट्रैंड्स बनेंगे, बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा, दो तरह के स्ट्रैंड्स बनेंगे, और ये देखिए कैसे स्ट्रैंड्स बनने जा रहे हैं। यहां जो स्ट्रैंड्स बन रहे हैं कुछ इस तरह के स्ट्रैंड्स होंगे, और ये जो स्ट्रैंड हमारा कुछ ऐसा होगा, ये 3' है, सी जी टी टी ए और ए, और ये जो स्ट्रैंड्स बने हैं आपके, ये स्ट्रैंड्स क्यों कहेंगे, इन स्ट्रैंड्स को कहा जाता है, दीज आर सिंगल स्ट्रैंडेड, सुनिए ध्यान दीजिएगा, दीज आर सिंगल स्ट्रैंडेड ओवर हैंगिंग स्ट्रैंड्स।
ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड ओवर हैंगिंग स्ट्रैंड्स हैं जो किसी दूसरे स्ट्रैंड के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड करके क्या बनाएंगे, एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बना देंगे। अरे बात समझ गए, तो इसीलिए इन दोनों स्ट्रैंड्स को हम क्या बोलते हैं, बोलो, स्टिकी एंड्स कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, स्टिकी एंड्स कहेंगे। क्या बोलेंगे, स्टिकी एंड्स कहेंगे। ये बात समझ में आई स्टिकी एंड्स वाली बात, कि स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, ये समझ गए। तो अभी तक हमने सिर्फ दो टॉपिक्स पढ़ा, एक बल्कि हमने सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ा, और इससे पहले हमने कौन पढ़ाया, इससे पहले हमने बताया आपको बेसिक्स। तो अभी तक हमने टोटल दो टॉपिक पढ़ लिया, पहला है बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ हमने एक टॉपिक पढ़ाया, कौन सा, रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इतनी बात समझ गए, आगे बढ़े, पहले इन सारी चीजों को लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़े।